स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम शिक्षा, दर्द और दवा। वास्तव में हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर हर तरफ शिक्षा के खंडहर दिखते हैं, अतीत के नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के और साथ ही उन आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी हमारे सपनों के खंडहर, जहां पर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। क्यों ऐसा हो गया, कहां चूक हो गई, ये दर्द कितना गहरा है और इसकी दवा क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं आज अपने अपने क्षेत्रों के। हमारे साथ प्रोफेसर रुद्रेश मैनेजमेंट के महारथी हैं और जमीनी स्तर पर इन्होंने समस्याओं को देखा और समझा है। हमारे साथ दूसरे साथी अवधेश जी हैं जो स्वयं एक आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन इन्होंने कार्तिकीय विद्या केंद्र के रूप में अभावग्रस्त बच्चों के साथ विभिन्न शैक्षणिक प्रयोग किए हैं। जमीन पर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इन सारी समस्याओं को, इन सारी मुसीबतों को, उनके निदानों को जानने के लिए आइए बात करते हैं अपने मेहमानों से। प्रोफेसर रुद्रेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर इस शिक्षा व्यवस्था पर आपको एक टिप्पणी करनी है चंद लाइनों में, तो आप कैसे करें? देखिए, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटते हैं। एक हमारी होती है स्कूल एजुकेशन और दूसरी होती है हमारी हायर एजुकेशन। हम अपनी दोनों व्यवस्थाओं को देखते हैं तो दोनों में कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं, और आप अगर इन दोनों व्यवस्थाओं को गौर से देखेंगे तो इन दोनों व्यवस्थाओं में खूबियां भी हैं। तो टिप्पणी में आपको आज ये अपनी करना चाहता हूँ कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को कभी एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जहाँ तक आप कमियाँ देखते हैं तो आपको खूबियाँ भी देखनी चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था। मैं अपनी टिप्पणी से पहले मैं अवधेश जी की राय जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको कार्तिकीय विद्या केंद्र के बारे में सोचना पड़ा? जो वर्तमान ज्ञान व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें मैंने पाया कि जो है आजकल हम ज्ञान के लिए नहीं, विद्या लक्ष्मी के लिए पढ़ते हैं, जिससे हमको रोजगार मिल जाए, जिससे हमारी जीविका चल जाए या जिससे एक नौकरी मिल जाए। उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भारत में बन चुकी है और उसमें हम जाना चाहते हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने इस व्यवस्था पर दुख जताने के बजाय इस पर काम करने का एक निश्चय किया और कार्तिकीय विद्या केंद्र की स्थापना की। जब ये छात्रों के बीच में काम करते हुए मुझे लगा कि भारत का जो ये शिक्षा व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सर्वोच्च व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, तो जब सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में मैंने सोचा तो मुझे राम और कृष्ण का नाम मेरे सामने आया कि वो जो व्यक्तित्व था वो ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जिन्होंने महान कार्य किए। तो इस बारे में जाते जाते रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ आदि, महाभारत, इन ग्रंथों का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य प्राप्त होता है, और वह वैराग्य प्राप्त होने के बाद जो वह कार्य करता है उस कार्य में, जिसे आजकल हम पैशन का नाम देते हैं कि सब कुछ छोड़ के अपने पैशन पे काम करने लगो, उस वैराग्य के बाद की जो स्टेट है वह आनंदित होकर कार्य करता है, यानी वो मेटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ों के लिए नहीं कार्य करता है, अपने को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। जब वह अपने प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो परमार्थ करता है और वो बहुत बड़ा उसका विस्तार होता है। यहाँ बड़े एक रोचक तथ्य उभर करके आ रहा है आप लोगों से बात करने पे कि आज़ादी से पहले भी जो डिबेट चला करती थी, यानी अंग्रेज जो शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे, जिन्होंने बदल करके ध्वस्त करके रख दिया, उसको छोड़ भी दे, तो भारतीय दृष्टिकोण में भी दो धाराएं थी, एक गांधी का दर्शन था, एक टैगोर का दर्शन। गांधी का दर्शन शिक्षा को स्वावलंबन की ओर ले जाना था और टैगोर का दर्शन शिक्षा से मनुष्यत्व की ओर ले जाना था। लेकिन ये सारी चीजें, ये बड़ी बड़ी बातें थीं या कहीं उसके बाद इसको अप्लाई करने में इस दर्शन को चूक हो गई, ये हुआ क्या? जहां तक आपकी बात है कि निश्चित रूप से कि हर पक्ष के कुछ सकारात्मक बिंदु हैं, कुछ नकारात्मक बिंदु होते हैं रुद्र जी, लेकिन क्या आप वास्तव में जहां हम जाना चाहते थे क्या हम वहां पहुंच गए? क्या हम संतुष्ट हैं इस शिक्षा व्यवस्था से, और कौन से पहलू ऐसे हैं, अगर आप स्पष्ट करके बताएं, जहां पर आपको लगता है इसे हमें बचा कर रखना चाहिए
मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में और कहां पर हम चूक गए। पहले हम प्राथमिक शिक्षा पर बात करते हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं कि कहां पर आपको लगता है ये हमारे महत्वपूर्ण मजबूत बिंदु हैं, इन पर हम सही रहना चाहिए और यहां पर हमको बदलाव की जरूरत है। देखिए, अगर आप प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या हमारी प्राथमिक शिक्षा सब तक पहुंच रही है, और दूसरी चीज उसमें ये आती है कि अगर वो सब तक पहुंच रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा देश देखिए बहुत बड़ा है, हमारा आज़ादी के बाद एक जनसंख्या में विस्फोट हुआ यहाँ पे, तो जो हमारे साधन थे वो कहीं ना कहीं कम पड़ते चले गए। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारी स्कूली और जो स्कूली शिक्षा में इस चीज़ ने देखी। उसी में एक प्राइवेट शिक्षा का भी आगमन हुआ, और प्राइवेट शिक्षा और स्कूली शिक्षा, ये जो सरकारी शिक्षा थी, ये कहीं ना कहीं आपस में कॉम्पीट करने लगे। अच्छी बात यह है इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में कि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। हमारा जनसंख्या को देखते हुए हमारे स्कूलों की पहुंच बहुत ज़्यादा है, पर इसमें सबसे दुख की और जो चिंताजनक बात यह है कि एक मेजॉरिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसके जो आउटकम निकल रहे हैं, जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो कुछ अच्छे और कुछ खराब है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे एक प्रथम एनजीओ है, अक्सर वो रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि क्लास सिक्स तक के बच्चे गिनती नहीं गिन पा रहे, ऐसी तमाम समस्याएं हमारे सामने आती रहती। इस समस्या में आपको नज़र आ रहा है कि जो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकारी दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, कि लग रहा है कि आपको सरकार वास्तव में शिक्षा को शिक्षा की तरह देख रही है? क्योंकि जहां तक मेरा अपना आकलन रहा, उसमें मैंने ऐसे ऐसे मंत्रियों को देखा जिनके पास दो विभाग रहे, एक आबकारी और एक शिक्षा, तो हम लोग उनको मजाक में कई बार पाठशाला मधुशाला मंत्री कहते थे। तो बताएं कि आपको, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये बड़ा यानी डिबेट का क्वेश्चन है कि सरकार का रोल शिक्षा में अच्छा है, खराब है, कैसा है। मैं इसको आप एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो सरकारी स्कूलों का स्तर कभी अच्छा नहीं माना जाता, और कोई भी एक अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सरकारी स्कूल एक वो स्कूल होते हैं जिसमें जो आखिरी रिजॉर्ट होते हैं जहाँ पर भेजने के लिए। पर वहीं आप आ जाइए हायर एजुकेशन में, और वहाँ बताइए कि क्या आप सरकारी कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप, हर व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी कॉलेज में भेजना चाहता है। पहली प्रायोरिटीज़ हैं IITs, IIMs, NITs। तो यहाँ पर आपको ये बड़ा एक नज़रों से देखिए कि सरकार वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हायर एजुकेशन में चला रही है, पर वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टीट्यूट, सबसे खराब जो संस्थान है स्कूल, वो लोअर एजुकेशन में चला रही है। तो इसका मतलब एक तो ये है कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती या शिक्षा संस्थान नहीं चला सकती, ये मैं नहीं मान सकता। तो कुछ ना कुछ कारण है कि क्यों हम हायर एजुकेशन में सरकारी संस्थानों को इतना अच्छा मानते हैं और लोअर एजुकेशन में सरकारी संस्थानों को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। मैं बीच में काटूंगा, मैं अभय जी से पूछना चाहूंगा, आपका क्या मानना है, सरकार का दखल होना भी चाहिए क्या शिक्षा में? क्योंकि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें तो सत्ता से शिक्षा को हमेशा दूर रखा गया। यानी कुछ, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए क्या कि जहां सरकार और शिक्षा के बीच में एक दूरी, अगर ऐसा नहीं होगा तो जब जब मौका जिस जिस सरकार को मिलेगा वो शिक्षा के अंदर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करेगी। तो शिक्षा में राष्ट्रीयता ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा में सरकारीकरण ज्यादा जरूरी है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा अवधेश जी से। देखिए, शिक्षा व्यवस्था भारतीय पद्धति में तो सदैव ही समाज के हाथ में रही और आश्रमों में थी। आश्रम में व्यक्ति जाता था, वहाँ एक आयु तक चार आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम लेकर वहाँ आता था, उसका परीक्षण होता था कि कौन किसको शिक्षा दी जाए। कि दो भागों में शिक्षा तब बटी हुई थी व्यवस्था, एक तो जो ज्ञान और ज्ञान के बाद पीपल हैंडलिंग का, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों, बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट का प्रिंसिपल देखें तो आपको अपने को ही मैनेज करना होता है। दूसरे को तब आप मैनेज कर पाते हैं जब स्वयं को मैनेज करते हैं। एक व्यवस्था ये थी। दूसरी व्यवस्था शिल्प थी। शिल्प की व्यवस्था, उसको बच्चे को घर पर ही मिलती थी। जैसे
वर्ण व्यवस्था में कोई कारपेंटर है तो उसका बेटा अच्छा कारपेंटर बना और वो बचपन से ही शुरू किया तो वो एक्सीलेंसी पर आ जाता था। लेकिन जो है इस व्यवस्था में और भारतीय शिक्षा पद्धति का मूल जो था वो एक श्लोक में मैं कहूँगा तो विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। यानी विद्या वो जो विनय दे। आजकल की विद्या क्या दे रही है? अहंकार दे रही है। प्राचीन काल में जो भारतीय विद्या शिक्षा पद्धति थी वो सरकार के पास नहीं थी, वो समाज के ही पास थी और बहुत अच्छी उस पद्धति में अच्छे शिल्पकार, अच्छे कलाकार और अच्छे महर्षि ऋषि, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बना रखी थी। वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सरकारी हस्तक्षेप के कारण जो है, सरकारी और मैं कहूँगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी अधिक है, उन सब के कारण लोग अपने अपने एजेंडे को इन बच्चों पर प्रयोग करना चाहते हैं और ताकि ये व्यवस्था, उनकी जो व्यवस्था है वो चलती रहे। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेगा, जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा, मैं डॉक्टर अंबेडकर जी को कहूँगा, उनको कोट करूँगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसको गुर्राना आ जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये दो धाराएं फिर आ रही हैं कि पुनः इसका निदान नहीं मिल रहा। नहीं, मैं इसका एक आपको ना एक छोटा सा कारण और बताता हूं, जो इन्होंने बोला कि आज शिक्षा अहंकार पैदा कर रही है, और वो सच है। और उसका कारण एक बड़ा सिंपल सा एक मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। जब आप किसी चीज की मार्केटिंग करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो आपको चीजों में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना पड़ता है। एक पेन है, वो जब दूसरे पेन से अलग होता है तब उसकी ब्रांडिंग हो पाती है। शिक्षा व्यवस्था में ये चीज आ गई, स्कूली शिक्षा में एक स्कूल दूसरे स्कूल से ज्यादा अच्छा माने जाने लगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण प्राइवेट शिक्षा भी थी कि प्राइवेट शिक्षा हुई तो उसमें क्या किया, जो जो स्कूल वाले थे उन्होंने अपने स्कूल को एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश करी, उससे एक ब्रांडिंग क्रिएट हो गई और ब्रांडिंग क्रिएट होने से समाज में ये हो गया कि ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल खराब है, और उससे एक दौड़ लग गई स्कूलों में। इसका एक बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है कि आपको स्कूलों में शिक्षा को समान करना पड़ेगा। अगर आप हर स्कूल में, मुझे अगर आज हर स्कूल में जो शिक्षा की क्वालिटी है वो वैसे ही मिले जो थोड़ी बहुत 19-20 हो जो दूसरे स्कूलों में है, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन जो क्रिएट हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। और ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें ये काम किया गया, उसमें जो नियम और कायदे बनाए गए वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक स्कूल को सरकार का दखल होना चाहिए शिक्षा में, मेरा मानना है बिल्कुल होना चाहिए, और सरकार के दखल के बिना एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन नहीं सकती। सरकार का दखल किस रूप में, कि यानी अगर सरकार का दखल होगा तो सरकारी दृष्टिकोण शिक्षा में नहीं आएगा, इससे बचने के लिए आपके पास क्या रास्ते? नहीं, सरकारी दृष्टिकोण आना उतना घातक नहीं है जितना घातक है एक गलत सरकारी दृष्टिकोण आना। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ ले जाना। मैं अभी पहले प्राथमिक शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा पे भी आप बात कर लीजिए। जब आप प्राइवेट एजुकेशन को लेके आए, जब प्राइवेट स्कूलों को आप लेके आए, तो आपने क्या किया, वो प्राइवेट स्कूल इसलिए लाए थे कि सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी स्कूलिंग पर, तो वो प्राइवेट स्कूल लेके आए। पर उन्होंने उस चीज में जो कंपटीशन अननेसेसरी क्रिएट हुआ उस चीज को वो नहीं रोक पाए। दूसरी चीज है वो जो क्वालिटी सारे स्कूलों में मेंटेन करनी थी वो नहीं कर पाए। तो शिक्षा में सरकारी दखल खराब चीज नहीं है, पर सरकारी दृष्टिकोण, आप स्कूलों को किस दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ही एक मेक और ब्रेक ऑफ एजुकेशन सिस्टम बनता है। इस बिंदु पर अवधेश जी की आखिरी राय। मेरा यह मानना है कि मैंने चीजों को जमीन से पर देखा। मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ एक गांव में हम काम कर रहे थे। उस गांव में बच्चों की संख्या 50 के लगभग रही होगी सरकारी विद्यालय में, और महिला अध्यापकों की संख्या, अध्यापिकाओं की संख्या कम से कम 6 थी। लोग शहर के, ग्रेटर नोएडा शहर के पास अपना ट्रांसफ़र किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से या अन्य अनफेयर मीन्स से कराकर और यहाँ पे आराम से बैठे हुए, और वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल हैं या हमारे जैसे जो संस्थान हैं जो इस व्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं,
वो अच्छा बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने एक बंगाल के मेरे मित्र हैं, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ क्यों ऐसा होता है कि बड़े सारे साहित्यकार हुए, बहुत सारे लेखक हुए, अच्छे सिंगर भी हुए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ छोटे छोटे क्लब हैं, उन क्लबों के बीच में साइंस का, सिंगिंग का, डांसिंग का, आर्ट का, इसका छोटा छोटा कंपटीशन होता है, और वो बच्चे छोटे छोटे, और उनको ऐसा नहीं है कि इन क्लबों के बीच के कंपटीशन में कराने में खर्च बहुत अधिक है। उनके बीच में किसी बच्चे को जो है, जो भी उसके ज़रूरत की, किसी को पेंसिल दिया, कभी किसी को टिफिन दिया, इस तरह के उनको इनाम देकर उनके अंदर एक प्रतियोगी या सहभागिता की भावना विकसित की जाती थी। मैं अब देख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो भावना जो है बड़े बड़े विद्यालयों में, जिसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का नाम दिया हुआ है, वो तो है, लेकिन निचले स्तर पर इस भावना का ह्रास हो चुका है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। जिन निजी मैं यहाँ रोकना चाह रहा हूँ, जिन निजी विद्यालयों के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहाँ स्थिति है कि एक बच्चे के पास साथ जो अवसर दिए जा रहे हैं, कहने को घुड़सवारी से लेकर के उसको म्यूजिक डांस सारे अवसर दे दिए जाए, लेकिन कितना आउटपुट निकल रहा है, ये वास्तव में वो मतलब चेरीज हैं जिसके अंदर बीच नीचे की सॉफ्टी गायब है। तो इतने सारे विकल्प दे दिए गए हैं, लेकिन उनको सिखाने वाला एक ट्रेनर नहीं, उनके लिए टाइम नहीं, वो केवल और केवल एक विज्ञापन का जरिया जैसा बन के रहे। क्या कोई वास्तव में, या तमाम निजी विद्यालय जो क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से गोल्फर निकला, क्या वास्तव में उन्होंने गोल्फ की शिक्षा दी थी, उनकी गोल्फ की ट्रेनिंग के तहत वो बढ़ा, ये कोई आंकने वाला कोई एक पैमाना है क्या? मसला ये है कि क्या जो टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं, क्या वास्तव में उनके पास वो ज्ञान है? क्या शिक्षा के लिए एकमात्र ये एक परीक्षा का उत्तीर्ण कर लेना ये पर्याप्त है कि आप अध्यापक बनने के लिए सक्षम होंगे? या एनसीईआरटी की अपनी किताब लिखती है क्लास 8th की, इतिहास की, वो कहती है कि अंग्रेजों ने जिस समय, वो स्वयं लिख रहे हैं कि अंग्रेजों ने जिस समय इस देश में ये मॉन्टेसरी सिस्टम और प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम लाया, उससे पहले स्थिति क्या थी, केवल बिहार और उड़ीसा में 1,00,000 कॉलेज, हर एक व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही थी कि उसकी आवश्यकता क्या है, और उसकी आवश्यकता का इतना ध्यान कि अगर गांव में खेती हो रही है तो उस दिन स्कूल उधर बंद हो जा रहे हैं, उसकी उस ध्यान। आज भी हमारे अपने समर वैकेशन जिस समय होते हैं, विंटर वैकेशन हो रहे होते हैं, उस समय कोई खेती कम नहीं होती। तो यानी गांव की जो पूरी जो प्राथमिक व्यवस्था है, उसने ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने अपनी ग्रामीण व्यवस्था को या अपने समाज तंत्र को हे दृष्टि से देखा। इन समस्याओं का निदान यानी, और एक अलग किस्म के पैरासाइट्स डेवलप हुए। मिसाल के तौर पे यहां तक कहा गया कि केरला में जब संपूर्ण साक्षरता हो गई तो स्थिति यह हो गई कि एक मजाक बन गया कि इस समय नारियल तोड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे। यानी ऐसी शिक्षा जहां पे अपने ही प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ना हो सके, वो शिक्षा हमें कहां ले जा रही है? तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कोई चिंतन, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एकलव्य प्रयोग कर रहा है, प्रेमजी फाउंडेशन के प्रयोग चल रहे हैं, तमाम आचार्य पांडुरंग आठवले शास्त्री ने किया, गायत्री परिवार के अपने प्रयोग चल रहे हैं, शिक्षा में संस्कार शालाएं वो आरंभ करा रहे हैं, प्रथम जैसे केंद्र एनजीओ काम कर रहे हैं जहां पे वो कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा चले, लेकिन जो चीजें वो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा समानांतर रूप से जो बच्चे वहां मिस कर रहे हैं वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है। ये लेकिन ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, और समस्या जो है वो समुद्र की तरह नजर आ रही है। और वास्तव में मुझे कई बार लगता है कि इस राजनीति और इस सारे जंजाल के बीच में वो ये मौलिक प्रश्न जो जिसको देश को बनाने के लिए, जिसमें हमने कहा था कभी हम इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो गई। एक राष्ट्रपति हमें मिले कलाम जैसे, जिन्होंने फिर बात की उस विजन की, लेकिन फिर वो चीज अधूरी रह गई। तो अगर हम अब इस बिंदु पे बात केवल ये करना चाहते हैं कि अगर आपकी दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा, हम फिर उच्च शिक्षा में आते हैं, कि प्राथमिक शिक्षा में ऐसे कौन से बिंदु हैं जो आप चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये बिंदु लागू किए जाने चाहिए जिससे कि शिक्षा व्यवस्था और बेहतर
की तरफ कदम बढ़ा। निश्चित रूप से वो पूर्ण नहीं होंगे, एक ये अंतहीन बहस है, लेकिन कुछ कदम आपकी दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा में क्या होने चाहिए कि इनसे हम आगे बढ़े, ऐसे तीन तीन बिंदु हैं। देखिए मैं अपने तीन बिंदु बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे सहमत हूँ कि ये एक ब्रांडिंग की रेस बन गई है। वो गोल्फर की ट्रेनिंग उस बच्चे को स्कूल ने दी कि नहीं दी, पर बच्चे ने कहीं से गोल्फ खेल के और उसमें कुछ नाम कमा लिया तो स्कूल ने उसका क्रेडिट ले लिया। ये एक मार्केटिंग आज की स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा आ गई। पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ जो होनी चाहिए स्कूलिंग में, वो सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आज हमें बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश करने की ज़रूरत है। देखिए आपको स्कूलों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा और स्कूलों में एक बुनियादी शिक्षा जो सरकारी स्कूल हैं उसमें देनी ही पड़ेगी। क्या सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं होनी चाहिए? क्या सरकारी स्कूल में अच्छे प्लेग्राउंड्स नहीं होने चाहिए? सच्चाई तो ये है कि सरकारी स्कूलों में एक टॉयलेट तक नहीं होता। कई स्कूलों में जहाँ गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं होता है, क्लासरूम 3 होते हैं, क्लासेस 12 होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने विजिट की अभी नोएडा के अंदर कुछ कॉलेजेस में जहाँ शौचालय बने लेकिन शौचालयों पे ताले लगा दिए गए वो गंदे ना हो जाए जी। तो और क्यों नहीं, एक मैं आपको बता तो रहा हूँ, एक गवर्नमेंट एक IIT रन करती है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स होती हैं, तो क्यों एक प्राइवेट स्कूल में नहीं एक स्टेट ऑफ आर्ट स्विमिंग पूल हो सकता है? क्यों एक प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं एक क्रिकेट का फ्लड लाइट ग्राउंड हो सकता है? एक बिंदु आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ध्यान, दूसरे बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है कि सरकार को क्वालिटी पे बहुत स्ट्रिक्ट चेक रखना पड़ेगा और उसमें कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज, सरकार तो कहती कैसे किया जाए, इसमें जो उनके जो सिस्टम है उनको बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लूप होल निकल आते हैं इसमें, कई बार हम शिक्षा माफिया का भी बोलते हैं कि शिक्षा माफिया है, प्राइवेट है, और हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक सिस्टम है जहाँ चेक्स और बैलेंसेज हैं तो वो है, पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा शिक्षा में। हाँ, मैं समय समाप्त हो रहा है, मैं अवधेश जी से जानना चाहूँगा दो बिंदु जल्द से बताएं कि प्राथमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए दो अहम कदम क्या हो सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि एक बार राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस समय रावण बड़े रथ पर था और राम पैदल थे, तो रामचंद्र जी ने विभीषण ने पूछा था, तो रामचंद्र जी ने विजय रथ के बारे में बताया था कि विजय रथ जिसके पास होता है उसकी, तो विजय रथ में कुछ उन्होंने 14 गुण बताए थे, सौरस धीरज तेरस चाका सत्यशील दृढ़ पताका, तो ये संस्कार विकसित करने के लिए बच्चों में ये 14 गुण हैं, जो कभी समय रहने पर मैं इन 14 गुणों पर चर्चा कर सकता हूँ। यह प्रथम संस्कार होना चाहिए बच्चे में प्राथमिक शिक्षा में। दूसरा यह है कि कोई भी बच्चा उसके अंदर यह भाव विकसित करना चाहिए कि कोई भी चीज़ वो लग जाए तो उसे छोड़े ना, यानी प्रयत्न ना छोड़े। समय समाप्त हो रहा है, बहुत बहुत आभार आपका। हमने देखा कि एक पहल की ज़रूरत है प्राथमिक शिक्षा के बारे में, खासकर एक बात कही जाती है कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जले। मुझे लगता है कि यह चर्चा सार्थक रही एक कदम के तौर पर। अगली कड़ी में हम बात करेंगे उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।